डिजिटल सिग्नेचर्स आज के जमाने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। किसी भी डिजिटल सिग्नेचर को पाने के लिए याद रखें एक ही नाम, विधि डिजिसाइन सॉल्यूशंस। डिजिटल सिग्नेचर्स फॉर जीएसटी, इनकम टैक्स, किसी भी म्युनिसिपैलिटी के टेंडर्स जैसे कि यूएमसी बदलापुर म्युनिसिपैलिटी, रेलवे टेंडर्स, ONGC के टेंडर्स के लिए डिजिटल सिग्नेचर्स जरूरी होता है। विधि डिजिसाइन सॉल्यूशंस, बेस्ट सर्विस एंड वेरी अफोर्डेबल रेट्स। सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। Rishto.com ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी, मोर देन 26,000 ट्रस्टेड फैमिलीज, काउंसलिंग विद अटमोस्ट ऑनेस्टी, फ्री रजिस्ट्रेशन, नॉमिनल मेंबरशिप फीस, no commission after marriage, free rishto meet with refreshments, rishto.com online sindhi matrimony। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताजा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उल्लास नगर महानगर पालिका की तरफ से आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर स्वच्छ अमृत महोत्सव अभियान का आयोजन किया गया है, जो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक रहेगा। इस अभियान में शहरवासी जो उनकी काम की चीज़ें नहीं है, जैसे पुरानी किताबें, पुराने कपड़े, खिलौने और भी चीज़ें जो आपके काम की नहीं है, पर यह चीज़ें किसी ज़रूरतमंद की काम की हो सकती हैं। आइए जानते हैं स्वच्छ अमृत महोत्सव अभियान को लेकर उल्लासनगर मनपा के अतिरिक्त आयुक्त जमीर लेंगरेकर जी क्या जानकारी दे रहे हैं। नमस्कार, मैं उल्लासनगर महानगर पालिका क्षेत्र में रहने वाले सभी नागरिकों को उल्लासनगर महानगर पालिका द्वारा शुरू किए गए अभियान में शामिल होने का इस माध्यम से आह्वान कर रहा हूँ। माननीय आयुक्त अजीत शेख, इनके मार्गदर्शन में हम स्वच्छता का अमृत महोत्सव मना रहे। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक यह हमारा महोत्सव रहेगा। हमारे भारत को स्वतंत्रता मिल के 75 साल हो गए, पूरे भारतवर्ष में हम अमृत महोत्सव मना रहे, उसमें स्वच्छता एक विषय लेके हम शहर में अनेक उपक्रम आयोजित कर रहे। तो पहला उपक्रम हमारा इसमें है, हमारे घर में पुरानी किताबें रहती है, हमारे पास ऐसी किताबें इधर उधर पड़ी हुई रहती है या उसको हम रद्दी में बेच देते हैं, और नया जनरेशन है जो किताबें पढ़ने के लिए इतना उत्सुक नहीं रहता। तो हमारी अपेक्षा है कि पढ़ने की आदत लोगों में लगना, इसलिए पुरानी किताबें हम महानगर पालिका स्तर पर, प्रभाग स्तर पर उसको इकट्ठा करके ज़रूरतमंद बच्चे के लिए एक लाइब्रेरी में वो किताबें दे दे। इसके साथ दूसरा अभियान हमारा रहेगा ई वेस्ट का कलेक्शन करना। महानगर पालिका क्षेत्र में हर एक व्यक्ति के पास कंप्यूटर से लेके, लैपटॉप से लेके, मोबाइल से लेके अनेक इलेक्ट्रॉनिक साधन हमारे साथ में रहते, लेकिन ऐसे साधनों का उपयोग जब समाप्त होता है या ऐसी चीज़ें खराब होने के बाद हम ऐसी कचरे में फेंक देते, तो ऐसे ई वेस्ट से पर्यावरण को बहुत हानि होती है, इसका रिसाइकल प्रॉपर तरीके से नहीं होता, इसलिए महानगर पालिका ऐसे ई वेस्ट को संकलन करने जा रही है। तो आप ई वेस्ट हमारे महानगर पालिका निश्चित किए हुए चारों प्रभाग समिति स्तर पे या हम और कुछ वहाँ पे ऐसे केंद्र बना के ऐसे केंद्र पे जमा कर सकते। इसके साथ तीसरा अभियान हमारा ऐसा है कि हमारे सोसाइटी में या हमारे घरों में बहुत सारी पुरानी साइकिलें आपको दिखती है, हम हमारे बच्चों के लिए छोटी से लेके बड़ी तक साइकिल लेते हैं, लेकिन बच्चे बड़े होने के बाद ऐसी साइकिलें हमारे सोसाइटी में ऐसी पड़ी हुई रहती है, उसका कोई उपयोग नहीं रहता और कुछ दिनों के बाद वो भंगार हो जाता है। लेकिन हमारे समाज में ऐसे भी लोग हैं जिनको ऐसी चीज़ें सिर्फ दुकानों में दिखती है लेकिन उसका उपयोग नहीं कर पाते, तो ऐसे ज़रूरतमंद बच्चों के लिए ये साइकिलें हम दान में लेके उसको रिपेयर करके हम वो बच्चों को पहुंचाने की हमारी एक कोशिश रहेगी। तो साइकिल दान करने का एक अभियान हमारा इसमें रहेगा। और हमारा चौथा अभियान रहेगा प्लास्टिक के खिलौने का दान करना या खिलौनों का दान। तो हमारे बच्चों के लिए हम ऐसे बहुत सारी चीज़ें, खिलौने हम लेते हैं, बच्चे बड़े होने के बाद में ऐसे खिलौने घर में पड़े हुए रहते हैं या हम उसको कचरे में फेंक देते हैं। अच्छे खिलौने बड़े बच्चे होने के बाद खेलते नहीं, लेकिन ऐसे ज़रूरतमंद बच्चों को वो खिलौने हम अगर उपलब्ध करके देंगे तो उनको ही ज्ञान मिलेगा या उनकी एक्टिविटीज़ बढ़ेगी या जो चीज़ें उनको मिलनी चाहिए वो मिलती नहीं, तो वो इस माध्यम से हम उनको पहुँचा सकते। तो मैं
इस चार अभियान में नागरिकों को आह्वान करना चाहता हूँ कि महानगर पालिका जो स्वच्छता अमृत महोत्सव मना रही है तो हमारे ये चार अभियानों में शामिल हो जाइए। अपने पास पुरानी किताबें, पुरानी साइकिलें, पुराने खिलौने या ई वेस्ट तो ये महानगर पालिका के केंद्र पर हमारे पास दीजिए, हम उसका सही उपयोग करेंगे और हमारा शहर स्वच्छ और सुंदर बनाने में, कचरा मुक्त करने के लिए हमारा जो मुहिम चालू है उसमें आप एक अच्छा सहभाग ले सकते हैं। तो मेरा नम्र निवेदन रहेगा, हमारे इस अभियान में पुरजोर कोशिश करके और आपका सक्रिय सहभाग लीजिए। धन्यवाद। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।